सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी हम बिना कुछ गलत किए हुए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि हम वैसा नहीं करते जैसा लोग चाहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक बार ठान लो तो दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी। आज का पंचांग 13 जून 2022 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 9:03 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 9:24 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:25 से 9:05 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। मेष राशि 13 जून 2022 दिन सोमवार, आप आज उल्लास और कुछ कर गुजरने के मूड में हैं। आपके सामने आज बहुत से अवसर आएंगे और आप उसका पूरा लाभ उठाने के लिए बहुत उत्साही हैं। आज अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो वित्तीय निजी जीवन तथा संबंधों में भी बहुत सफलता मिलेगी। आज दिन घटनाओं भरा भी रहेगा और आप इसका हर एक पल आनंद उठाएंगे। आज व्यस्तता बहुत रहेगी लेकिन बहुत से जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित फायदा होने के योग हैं। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का भी योग बनेगा। अपनी परिस्थिति को जैसी है वैसी अपनाए जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे तो दिक्कतें दूर हो सकती है। संतुलन की वजह से भाग दौड़ कम हो सकती है। आप आनंद उठाने की कोशिश करें। कई बातों के लिए फिलहाल आप खुद को तैयार करें। काम में बदलाव नजर आएगा। अभी के समय में योजना बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखें। रिलेशनशिप को गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ें। आपको महसूस होने वाली थकान और आलस को दूर करने का मार्ग प्राप्त होगा। सावधानियां, लेन देन करते वक्त सावधानी रखें क्योंकि फालतू गतिविधियों में बहुत धन संबंधित नुकसान हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, हालांकि पारिवारिक सदस्य उनका विशेष ध्यान रखेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक रहेगी। मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको तनाव मुक्त रखेगा। आज अपने रिश्ते को जांच कर कुछ मर्यादित सीमाएं बांधने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक देते रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उनकी मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिश्ते में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिश्ते को ऐसा नया रूप मिलेगा जिससे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत महसूस होगी। बात करते हैं करियर की। दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें। आपको दिन के उत्तरार्ध में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरतें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति पर एक मजबूत नियंत्रण करना होगा ताकि आप अपने खर्च को संतुलित कर पाएं। इस समय बाहरी गतिविधियों पर ज्यादा समय बीतेगा। कामकाज को लेकर कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी हो सकती है। व्यस्तता बनी रहेगी इसीलिए व्यवसाय के स्तर पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम घर पर करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर काबू रखें। ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती है। आप काफी संवेदनशील हैं और आपका पाचन तंत्र भी। जैसे ही आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो आपके पाचन तंत्र के अनुकूल नहीं होता तो आपका शरीर इसे रिजेक्ट कर देता है। आपको इसी कारण उल्टी और दस्त हो सकती है। अगर आप समझे नहीं तो समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। देसी स्तर पर तैयार की गई दवाइयां अपनाने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।